मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा प्रदेश में और देश में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर चिंता तथा आक्रोश जताते हुए यह कहा गया है कि इस तरह की घटनाओं से समाज में बहुत बुरा प्रभाव गिर रहा है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के जघन्य अपराधों के लिए कठोर सजा होनी चाहिए। इस टिप्पणी के साथ ही जस्टिस पी के जायसवाल तथा अंजुली पालो की खंडपीठ ने 4 साल के मासूम बच्चे से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फांसी की सजा देने के निर्णय पर मुहर लगा दी। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी शिक्षण जैसे पवित्र पेशे से जुड़ा है, जिसका काम देश में बच्चों में चरित्र निर्माण और नैतिकता जगाना है। एक शिक्षक से बच्चों के साथ नैतिक व्यवहार की अपेक्षा होती है, ऐसे में शिक्षक से दुष्कर्म जैसे घिनौने अपराध की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि आरोपी का कृत्य विरल से विरलतम श्रेणी में आता है और इसके लिए अधीनस्थ कोर्ट द्वारा आरोपी को उसके कृत्य के लिए फांसी की सजा सही सुनाई गई है। इस प्रकार से इस आरोपी शिक्षक को अब फांसी के फंदे पर चढ़ना ही होगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।